राधे राधे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण विधि विधान व्रत कथा के सातों अध्याय सुनाऊंगी। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथमो अध्याय। एक समय प्राणियों के हित चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीक नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्य गणों के सहित हरि नाम स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी को आते देख महातेजस्वी शौनकादि मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वाले में श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णव शौनकादि ऋषि परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके शौनकादि मुनियों के दिए आसन पर संपूर्ण शिष्यों सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठे हुए सूत जी ने शौनकादि मुनियों ने नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सूत जी, इस कलिकाल में मनुष्यों को हरि भक्ति किस उपाय से हो, हे भगवान यह कहिए। क्योंकि कलिकाल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद विहीन हो जाएंगे, उनका कल्याण किस प्रकार होगा। इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्रायः पुण्य अति परिश्रम से होता है। इसमें कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य न करेगा और पुण्य के नष्ट होने से सब पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों से वर्णन कीजिए। जिसकी उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है वह उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निर्विरोधी, यह चार तरह के मनुष्य नारायण के समान हैं। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो मनुष्य रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण के नारायण ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो, यह वह हम लोगों को सुनने की इच्छा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वेद वेदांग के ज्ञाता हैं, आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि श्री वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णवों में अग्रगण्य हो, कारण कि सब प्राणियों का तुम सदैव हित चाहते हो। हे शौनक, सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा था। अथ द्वितीय अध्याय। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो, ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक में चले गए। वहाँ जिनके शुक्ल वर्ण चार भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है और वनमाला से सुशोभित देवेश नारायण हैं, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने न धारण के करने के योग्य अनंत शक्ति युक्त और निर्गुणात्मक हैं। हे महाराज, आप सब प्राणियों के उत्पन्न कर्ता और भक्तों के दुख के नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो, तुम्हारे मन में क्या है, हमसे जो पूछोगे वह हम कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से क्लेशित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका क्लेश दूर हो, वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ।
भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा कर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है, वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह सत्य नारायण भगवान का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है और पूर्व में किसने किया था, किस समय यह व्रत करना चाहिए, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख शोकादि नाश, धन धान्य की वृद्धि और संतति की प्राप्ति तथा सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन सायंकाल में सत्यनारायण की पूजा करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्मयुक्त सवासेर उत्तम नैवेद्य भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लावे। गेहूं का चूर्ण ना हो तो चावल का चूर्ण, खांड अथवा गुड़ मिलावे। सवा पाव अथवा सवा शेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण को नैवेद्य लगाए। बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने बंधु बांधवों के साथ खाकर रात्रि में नित्य गीत आदि करे। तदंतर सब श्रोतागण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कलिकाल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया वह कथा सुनो। काशीपुरी में निर्धन शतानंद नामक एक ब्राह्मण सुधा पिपासा से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा, हे विप्र, किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घूमा करते हैं, यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तोत्तम उत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत को विधान ब्राह्मण को बताकर आप अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण शतानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद ना आई। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि मैं श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया तो उस दिन उसको सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला। द्रव्य से उसने अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसके प्रभाव से दुखों से छूटकर सर्वसम्मति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से शतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा और तभी से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, शतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का यह पूजन है, इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। अथ तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, हे शौनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह तुमसे मैंने कहा और दूसरी बात जो हो वह पूछो। शौनक जी बोले, हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया, वह सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने व्रत को किया वह सुनिए। एक समय निज धर्मानुसार जिन बांधुओं के साथ व्रत को करने को उद्यत हुआ, उसी समय एक लकड़हारा वहाँ आया। भूख प्यास से पीड़ित काष्ठ के भार को बाहर रख ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है, वह विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला, मनोरथों का देने वाला, दुख और शोक का नाश करने वाला तथा सिद्धि को देने वाला यह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से वह धन धन्यादि प्राप्त हुआ है।
यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो प्रसाद को खाकर जल पीकर वह भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला गया। आज लकड़ी बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होगा उसी से मैं श्री सत्यदेव के उत्तम व्रत को अवश्य करूँगा, ऐसा मन में विचार कर उसने लकड़ी को सिर पर रखा। जहाँ धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन लकड़हारे को दूना धन प्राप्त हो गया। वह अत्यंत प्रसन्न हो सुंदर केले के फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चून सबको सवाई लेकर घर में आकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि से सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया, इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक को चला गया। हे मुनिगण, मैं और कथा कहता हूँ, उसको सुनिए। अथ चतुर्थ अध्याय। सूत जी ने कहा, राजाओं में श्रेष्ठ उल्कामुख नामक एक जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव देव मंदिर जाया करता था, ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के सुदृश्य मुख वाली प्रमुग्धा पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सत्यदेव का व्रत करता था। उसी समय वहाँ एक बनिया आया, वाणिज्य के लिए बहुत धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गया। वह राजा को व्रत करता हुआ देख नम्रता से पूछने लगा। साधु बोला, हे राजन, आप यह क्या करते हैं? वह हमसे भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, यह मैं भी करूँगा, कारण कि मेरी भी संतान नहीं है, इस व्रत से अवश्य होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर उसने अपनी स्त्री से यह संतान प्रद व्रत कहा और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं अवश्य सत्यनारायण का व्रत करूँगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गई। उसने 10वें मास में अति निर्मल एक कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्धि को प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ बनिया ने कन्या का जात कर्म कर कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली कि पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। इस प्रकार स्त्री को समझा कर वह बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्मज्ञ साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग्य देखकर दूतों को बुलाकर कहा, विवाह के निमित्त कन्या के लिए योग्य वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर में गए। उस नगर से एक वाणिक पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उसने सुंदर गुण युक्त लड़के को देखा। जाति भाइयों के साथ प्रसन्नचित्त को विधान पूर्वक अपनी कन्या का उस वाणिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को साधु भूल गया। तब सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निज कर्म में अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नासार नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने राजा को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देखकर उसके को श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुरा कर अपने पीछे देखते हुए साधु की दिशा को चले गए। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आता देख कर डर कर धन को यहीं पर ही रख कर आप छिप गए। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा तो साधु को बांध कर आनंद चित्त हो राजा के निकट ले जाकर बोले कि हे राजन, दो चोर लाए हैं, उनको देख कर आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु को देख कर अविचार से आज्ञा दे दी। फिर तो दूतों ने उन्हें खूब बांध कर बंदी खाने में बंद कर दिया। बोले, सत्यदेव की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनियों के वचन को कुछ भी ना सुना और उनका सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण के श्राप से साधु और दामाद के घर पर स्त्रियां भी बड़ी दुखित हो गई।
चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आदि व्याधि से पीड़ित और भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता में घर घर घूमने लगी और कलावती कन्या भी नित्य ही घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां सत्यनारायण के व्रत को देख कर कथा को सुन निज मनोरथ को मांगी और प्रसाद को खाकर कुछ रात गए अपने घर आई। तब लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी, हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही, तेरे मन में क्या है। तब कन्या माता से सत्य वचन बोली, हे माता, मनोरथों को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण के व्रत को ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए उद्यत हुई। पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधु बांधुओं के साथ सत्यनारायण के व्रत को किया। उसने सत्यदेव से यह दिव्य वर मांगा कि हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद जल्दी अपने घर आवें। मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करने योग्य हैं, अतः क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखाया कि हे राजन, कल सवेरे ही दोनों सज्जन बनियों को छोड़ देना और उनका धन भी जो तुमने लिया है वह दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र के सहित तेरा राज्य नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रातःकाल के समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित हो मंत्री जनों से यह अपना स्वप्न सुनाकर कहा, बांधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बनियों को बंदी खाने से छुड़ा कर राजा के निकट लाए और विनय युक्त वचन बोले, हे महाराज, हम इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ा कर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार का पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु से साधु तथा दामाद ने कुछ नहीं कहा। वाणिक पुत्रों को देखकर राजा आदर से बोले, अभाग्यवश तुमको बड़ा दुख मिला है, तुम लोग भय न करना। इस प्रकार राजा ने कहकर उन दोनों के हाथ पैरों की हथकड़ी बेड़ी काट कर और शौर कर्म कराया। फिर वस्त्र और भूषण आदि देकर बनिया को अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसका दूना धन देकर कहा, अब आप अपने घर को जाएं। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार कर कहा कि आपकी कृपा से घर जाते हैं। सूत जी बोले, साधु, भगवान की मंगलाचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देव ने वैश्य के मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है। मंदोन्मत महाजन महाबनिया हंसकर बोला, डंडिन, यह क्यों पूछ रहे हो, क्या धन लेने की इच्छा है। मेरी नाव में लता पत्रादिक हैं। तब डंडी ऐसे वचनों को सुनकर बोले कि तेरा वचन सत्य हो, ऐसा कहकर आप समुद्र के पास बैठ गए। डंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठा देख साधु को आश्चर्य हुआ। जो ही उसने नाव में लतादिक देखा त्यों ही मूर्छा को प्राप्त हो भूमि पर गिर गया और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला कि व्यर्थ शोक क्यों करते हो, वे ही डंडी महाराज ने शाप दिया है, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं, इसलिए उन्हीं की शरण में चलें, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से ही सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर डंडी के पास गया और डंडी को प्रणाम कर भक्ति से देखकर आदरपूर्वक वचन बोला, जो मैंने आपसे कहा था उसे क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। तब डंडी उसको रोते हुए देखकर बोले, रो मत, मेरे वचन को सुन, तू मेरी पूजा से सदा मुंह फेरे रहता है और मेरी इच्छा से, हे दुर्बुद्धे, तुझे बारंबार दुख मिला है। भगवान का यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला कि स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्रह्म आदि देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते। आपकी माया से मोहित मैं मूड आपको कैसे जान सकता हूँ, अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मैं यथा विभव विस्तार से आपका पूजन करूँगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला सब धन दे दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए
और मनोवांछित वर देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देखकर उस पर चढ़ गया। सत्यदेव की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ। यह बात उसने अपने स्वजनों से कहे यथा विधि पूर्वक कर सत्यदेव की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ। नाव को यत्न से सहेज कर अपने देश को चल दिया। अपने नगर के समीप साधु आकर दामाद से कहने लगा कि वह मेरी रत्नपुरी देखें। ऐसा कह कर उसने धन की रक्षा करने वाले दूत को वहां भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु की धर्म पत्नी को देख प्रणाम कर बोला कि गांव के निकट दामाद सही साहूकार बहुत से इष्ट मित्र और धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित होकर सत्यदेव का पूजन कर कन्या से कहने लगी कि मैं जाती हूँ, तुम भी शीघ्र व्रत समाप्त करके आओ। लड़की इस प्रकार का वचन सुनकर जल्दी व्रत समाप्त कर प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को देखने चली गई। इससे सत्यदेव ने क्रोधित होकर उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को अति दुखी देखकर डरे हुए मन से कहा कि यह क्या हुआ, और नाव चलाने वाला भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखी देखकर अति विहल होकर रोने लगी और अपने पति से कहने लगी इसी क्षण नाव के साथ वे कैसे अलक्षित हो गए। न जाने किस देवता के अनादर से नौका जल में नहीं दिख रही। श्री सत्यदेव के महात्म्य को कौन जान सकता है। यह कह कर वर अपने जनों के साथ विलाप करती हुई कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती भी स्वामी को न देखने से अति दुखित हो पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह चरित्र देखकर धर्मज्ञ साधु बनिया स्त्री के साथ अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सत्यदेव की माया से बारंबार छला गया हूँ। अब यथा विभव श्री सत्यनारायण का पूजन करूँगा। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा और पृथ्वी पर गिरकर साष्टांत दंडवत किया। इसी पर दिनों के पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। भक्त वत्सल, सत्यदेव जी की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली गई, इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण कर आवेगी तब पति को निसंदेह पावेगी। कन्या ने यह आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी कि अब शीघ्र ही घर को चलिए, विलंब न करिए। कन्या के वचन सुनकर साधु दामाद सही संतुष्ट होकर धन और बंधुओं के साथ अपने घर को गया। उस दिन से वह हर महीने और संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्यदेव की पूजा करने लगा। इस तरह सुख प्राप्त कर वह अंत में सत्यलोक को चला गया। फिर सूत जी कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपसे और भी कथा कहता हूँ। अथ सतमो अध्याय। सूत जी बोले प्रजा पालन में तत्पर एक तुंग ध्वज नामक राजा था, जिसने सत्यदेव के प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर मृगादिक अनेक पशुओं को मारा और पीछे आकर वट वृक्ष के नीचे श्री सत्यदेव भगवान का पूजन देखा, जिसको गोप लोग बंधु बांधव युक्त संतुष्ट चित्त से करते थे। अहंकार से राजा न वहां गया और न ही सत्यदेव को प्रणाम किया। जब वे गोप राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद नहीं लिया। तब से गोप वहां प्रसाद को रख कर चले गए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस तरह प्रसाद का अनादर करने से उसे अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, वे मर गए और धन धान्य भी नष्ट हो गए। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि सत्यदेव ने ही सब धन नष्ट कर दिया है, इसलिए मैं वहीं जाऊंगा जहां पूजन होता था। यह विचार कर वहां जाकर अहिरों के साथ भक्ति श्रद्धा युक्त होकर विधि से उसने सत्यदेव का पूजन किया। तब सत्यदेव के प्रसाद से धन पुत्र आदि युक्त हुआ और इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक को गया। जो प्राणी अति दुर्लभ इस सत्यदेव के व्रत को करता है और भक्ति युक्त होकर
पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है उसको सत्य देव के प्रसाद से धन्य धन्य अधिक प्राप्त होते हैं। दरिद्र धन पावे, कैदी छूट जावे, भरियात भय से छूटे, इसमें कोई संशय नहीं है। इस पुनीत व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सत्य देव के लोक में जाता है। सूत जी कहते हैं, विप्रों, मैंने सत्य नारायण के व्रत को आप लोगों से कहा है, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर सत्य देव की पूजा कलिकाल में फल देने वाली है। उन्हीं को कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्य नारायण और कोई सत्य देव कहेंगे। सत्य रूपी विष्णु सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण कर सबको वांछित फल देने वाले होंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता या सुनता है उसके संपूर्ण पाप सत्य देव के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। बोलो सत्य नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।